गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने टेस्ट सीरीज 2024 के अंतर्गत कल अपने राजनीति विज्ञान का टेस्ट हुआ था और जो अपने राजनीति विज्ञान का कौन से नंबर का टेस्ट था, पांचवें नंबर का टेस्ट था, जो अपने सेकंड बुक है उस सेकंड बुक के तीसरे और चौथे पार्ट का हुआ था। अब अपने दो टेस्ट आपके और होंगे पॉलिटिकल के, फिर पॉलिटिकल अपने कंप्लीट है। देखो भैया, पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन जो है छोटे और बड़े वो सभी मैं आपको करा चुका हूं और पांच टेस्ट भी ले चुका हूं, एक दो टेस्ट अपने और होंगे, मैप अपने दो वीडियो हो चुके हैं, एक या दो वीडियो और होंगे, पॉलिटिकल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यही सिस्टम अपने इतिहास में रहेगा। इतिहास में एक दो चैप्टर के बड़े क्वेश्चन आपको बताने हैं, चार टेस्ट इतिहास में भी हो चुके हैं अपने, मैप अभी आपको बताना है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो भैया, आज की जो क्लास है, इस क्लास का सॉल्यूशन कराने से पहले, आपको हल कराने से पहले, आंसर की बताने से पहले, मैं उन टॉप 10 बच्चों के नाम आपको बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इस टेस्ट में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मतलब टॉप 10 बच्चे जो है वो कौन कौन से हैं। देखो, पहला नाम आता है भैया गजानन, जो गंगानगर से है, आकाश कुमार सिरोही से, विमला मीना जयपुर से, सोनिया गंगानगर से, विकास अलवर से, आशा नागदा उदयपुर से, रिंकू कंवर प्रतापगढ़ से, किरण जायस जयपुर से, प्रदीप बीकानेर से, प्रिया जोधपुर से। देखो भैया, ये 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस टेस्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जो टॉप पर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर अपने इस टेस्ट का सॉल्यूशन करने से पहले एक बात मैं आपके साथ में और शेयर कर दूं, कल भी मैंने की थी हालांकि, लेकिन आज वापस कर रहा हूं क्योंकि बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं है, फिर कहते हैं गुरुजी थे बताओगे को नहीं, थे बताओगे को नहीं। देखो, मेरे पास में बार बार ये कमेंट आ रहे हैं। देखो, हर सभी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि स्कूल भी है, कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर रखी है, तो इस प्रकार से टाइम नहीं मिल पाता। तो देखो, यहाँ पर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, नामात्र का पढ़ा है, हमारे अब 30 से 35 दिन का समय एग्जाम में बचा है, मतलब बोर्ड एग्जाम आपके आ गई पास में, ठीक है। तो अब वहां पर दिक्कत ये आ रही है कि अब हम क्या पढ़े, समझ लो, मतलब 30 दिन आपका है, अपने टाइम टेबल में आपको बता चुका हूं, 30 दिन का समय आपके पास से बचा है। अब बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर अब हम क्या पढ़े, ये मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, इस टॉपिक पे कल भी चर्चा कर चुका हूँ। देखो भैया, यहाँ पर वापस बता दूं कि पॉलिटिकल और हिस्ट्री, इन दो सब्जेक्ट में जो मोस्ट क्वेश्चन या जो छोटे क्वेश्चन या जो टेस्ट में क्वेश्चन, जैसे मान लो इस 2024 के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप केवल केवल उनको भी तैयार कर लेते हो तो भी आप आराम से भैया, अगर आपकी जरा सी भी राइटिंग ठीक है तो 80 नंबर आप आराम से बना सकते हो, 80। और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, एक दो बार रिवीजन कर चुका है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है, और अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हो तो आराम से आप नंबर प्लस की स्कोरिंग कर जाओगे, क्लियर है। बाकी आपको जैसा बेटर लगे, जो बेटर लगे वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। अब चर्चा करते हैं भैया इस चैप्टर के अपने, सॉरी इस टेस्ट के सोल्यूशन की। देखो पहला क्वेश्चन, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारतीय रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन थे भैया। देखो प्रधानमंत्री था अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, जिन्होंने 1962 में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद में इस्तीफा दे दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। बॉम्बे प्लान कब बना था भैया, 1944 में बना था। शिमला समझौता हुआ था भैया इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था भैया 1972 ईस्वी में, ठीक है। दो समझौते याद रखना, ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री था और अयूब खान, और शिमला समझौता पूछ ले तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग का पूरा नाम बताइए भैया। नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में, ठीक है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, या अंग्रेजी में अपने कहे ये संगठन है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है, और इंग्लिश में अपने कहे नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। और ये योजना आयोग जो था, इस योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष होता है भैया वो हमेशा जानते हैं ना भारत का कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अध्यक्ष बहुत ही कम पूछते हैं, ज्यादातर आपको क्या पूछते हैं, उपाध्यक्ष पूछते हैं,
ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? जारंग, अपने किताब में राजीव कुमार लिखा हुआ है भैया, वर्तमान में राजीव कुमार नहीं है, वर्तमान समय में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उनका नाम है सुमन के बेरी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। हाँ लो ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है भैया बांडुंग सम्मेलन कब और कहां हुआ था, इजी सा क्वेश्चन है भैया। देखो ध्यान रखना, इसी सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। ये हुआ था 1955 में बांडुंग में, जो इंडोनेशिया का एक शहर था वहां पर यह सम्मेलन हुआ था। केरल मॉडल में किस बात पर बल दिया गया था भैया? केरल मॉडल में विकास के मुद्दे थे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा वगैरह है, भूमि सुधार वगैरह है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इनके ऊपर बल दिया गया था। भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण किया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहली बात तो भैया भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में। और दूसरी बार किया था भैया 1998 में। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो तो थे अपने इंदिरा गांधी, और इस समय जो अपने प्रधानमंत्री थे वो थे भारत के सबसे बेस्ट पीएम का दर्जा जिनको जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है भैया? निर्माता मतलब जनक है। तो देखो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही भारत के पहले क्या थे? विदेश मंत्री भी थे। तो विदेश नीति का निर्माता किनको मानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है भैया, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप किस देश से अपनाया था भैया? यूएसएसआर, सोवियत संघ से अपनाया था, क्योंकि विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो बनी थी वो इसी सोवियत संघ के द्वारा बनाई गई थी लगभग 1928 के आसपास में। पोस्को प्लांट कहां लगाया गया था? ओडिशा में लगाया गया था, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भैया, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था? देखो स्वतंत्र होने के पश्चात भारत के सामने दो अर्थव्यवस्थाएं आई थी, एक तो आई थी उदारवादी, दूसरी आई थी समाजवादी। तो भारत ने क्या किया? दोनों अर्थव्यवस्थाओं से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर ली और अपनी अर्थव्यवस्था को नाम दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था। रक्षा आपूर्ति विभाग भैया, ये कई बच्चों ने गलत किया है, 1965। भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने पहला आक्रमण किस क्षेत्र पर किया था? देखो चीन ने पहला हमला जो किया था भैया वो भारत के पूर्वी क्षेत्र पर किया था, पूर्व के अंदर, ठीक है, जिसको अपने वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वही प्राचीन समय में नेफा के नाम से जाना जाता था, वहां पर चीन ने हमला किया था पहला आक्रमण। दूसरा किया था भैया अपने लद्दाख वाले क्षेत्र पर। अंतिम क्वेश्चन है भैया, तिब्बत के किस धार्मिक नेता ने 1969 में भारत में शरण ली थी? भैया तिब्बत का धार्मिक नेता था दलाई लामा, इसने भागकर भारत में शरण ली थी। ओके भैया, तो ये था अपने पॉलिटिकल साइंस का जो पांचवा टेस्ट था, उस पांचवे टेस्ट का सॉल्यूशन या आंसर की। जो बच्चे टॉप में रहे उन सभी बच्चों को एक बार पुनः बताइए। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट